और थोड़ा थीम इस हिसाब से रखा है, जो स्टॉक्स लगता है कि डाउनसाइड बहुत कम रहेगा, यू नो इन लेवल्स पे हमेशा से कोशिश करिए कि कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, और अगर मार्केट अच्छा रहा और स्टेबल भी रहा तो अच्छा खासा अपसाइड है. मतलब देर आर मेनी रीजंस फॉर दीज स्टॉक्स दे शुड डू वेल. सो उसमें सबसे पहले जो स्टॉक लिया वो है जीएसके फार्मा, जो यू नो 1600 रुपए के आसपास जो कंपनी ट्रेड कर रही है. उसमें आप जो काफी साल का कंसोलिडेशन अनिल जी इस स्टॉक में रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली, जबकि ये इस समय इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंटी इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक बना रहा, ऑगमेंट करके एक दवाई है जो हम सब जानते हैं, उसके एक बहुत बड़ी यू नो प्लेयर है. जो दो तरह की फार्मा कंपनीज पे अब आने वाले समय में ध्यान जाएगा, एक जिसके ऑपरेशंस डोमेस्टिकली फोकस्ड हैं और सिंपल टर्म्स में जो बाकी जिनके प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं और बाकी रेगुलेटरी हर्डल से गुजरते हैं. तो डोमेस्टिक फार्मा जो प्ले है उसमें दो तीन जो दिग्गज प्लेयर हैं, उसमें से जीएसके बहुत ही अच्छी कंपनी है. पिछला जो रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आया, बहुत ही स्टेडी वे से ग्रो हो रही है. अब इन्होंने कुछ अपने ब्रांड्स हैं, जो छोटे ब्रांड्स हैं जो उन्होंने अपने जीएसके एशिया को बेचे हैं अच्छे खासे वैल्यू में, जबकि साइज उनका बहुत छोटा था. तो वो जो पैसा आ रहा है उससे भी अब आगे कंपनी को फायदा होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से डाउनसाइड कम, जैसे मैंने बोला आज की थीम हमने वही रखी है, ये वही सब स्टॉक मिड कैप और क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स हैं जो यहाँ से अच्छा करेंगे. और लॉन्ग टर्म में यहाँ से मैं 2500 तक के भी स्तर आते हुए देखता हूँ, क्योंकि बहुत सालों की कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब चलना शुरू हुआ है. तो यहाँ से विद इन ईयर और 2 2500 का टारगेट है.